हेलो बच्चों, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। इन फिगर एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए बी सी ई डी ए सी एफ जी एंड ए बी एम एन आर स्क्वायर्स ऑन द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। लाइन सेगमेंट ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू डी ई मीट्स बी सी एट वाई। ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी है वो सारी की सारी इस फिगर में गिवन है, और साथ ही साथ हमें ये सिक्स पार्ट्स जो है इन्हें प्रूव भी करना है। ये पार्ट मैं सबसे पहला पार्ट यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ जिसको हम प्रूव करने वाले हैं, और वन बाय वन हम सबको प्रूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सॉल्यूशन में मैं लिखना चाहूंगा वो ये लिखना चाहूंगा कि वी हैव राइट ट्राइंगल एबीसी सच दैट बीसीई एएफ इस ए एफ सी जी देख पाएंगे ए एफ जी, या फिर हम लिख देते हैं ए सी एफ जी, ठीक है। फिर बनाने के लिए ए सी एफ जी, फिर लिख देते हैं ए बी एम आर स्क्वायर्स। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑन इट साइड्स on its size BC, CA and AB respectively okay. और line segment अब हम देख पाएंगे line segment AX perpendicular to DE is also drawn such that it meets BC at Y, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अब अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देख पाएंगे तो CBD जो था हमारे पास वो इक्वल होगा एंगल MBA के, क्योंकि तो दोनों के दोनों क्या है 90 है, तो आपस में भी इक्वल होने वाले। अब हम लिखेंगे therefore ये जो CBD है, राइट इट, अगर मैं दोनों साइड ए बी सी को ऐड कर दूं तो देखना क्या होगा, सी बी डी प्लस एंगल ए बी डी सॉरी ए बी सी इज इक्वल टू एम बी ए प्लस में एंगल ए बी सी, ठीक है। दोनों साइड मैंने ए बी सी ऐड कर दिया, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय एडिंग एंगल ए बी सी ऑन बोथ साइड्स और एंगल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल ए बी डी बी डी, और ये बन जाएगा एंगल एम बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल अब लिख सकते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल एम बी सी वी हैव, तो ट्राइंगल में हम देख पाएंगे ए बी इज इक्वल टू एम बी साइड्स ऑफ स्क्वायर्स साइड्स ऑफ स्क्वायर्स, और एक हमारे पास आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू बी सी, और एक आ जाएगा ए बी डी डी इज इक्वल टू एम बी सी। ये ए बी डी इज इक्वल टू एम बी सी कहाँ से आया, ये जो अभी हमने ऊपर प्रूव किया था, तो लिखेंगे प्रूव्ड अबव, अब अभी अभी ऊपर प्रूव किया था ना वहीं से, तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम लिख देंगे कौन से रूल से भाई, एस ए एस रूल लिखेंगे, therefore triangle ABD is congruent to triangle MBC by SAS, और यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, ठीक है। ABD is congruent to MBC, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, तो सेकेंड पार्ट भी हम कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट विल बी सिंस parallelogram BYXD and triangle ABD, हमें पता है ये सेम बेस और सेम parallels के बीच में है, तो ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो हाफ ऑफ parallelogram होता है, ठीक है, चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। आर ऑन द सेम बेस
बी डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बी डी एंड ए एक्स देयरफॉर एरिया ऑफ कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी वाई एक्स ठीक है। बट ट्रायंगल ए बी डी अगर हम ध्यान से देख पाएंगे तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, बट हम एक और चीज देख सकते हैं क्योंकि ऊपर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, हम यहाँ से कह सकते हैं बट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम बी सी पार्ट वन सिंस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स areas, therefore, area of triangle MBC is half of area of parallelogram BYX, ठीक है, by XT, which can also be written as area of parallelogram BYXD cross multiplication कर रहे हैं सिर्फ 2 times area of MBC. Let me see. और यही हमें प्रूव करना था। देखो BYXD is equal to 2 times MBC. थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ये जो दो हमारे पास दिख रहे हैं BYXD और ABMN इनके एरिया इक्वल प्रूव करने हैं, let's do it. थर्ड पार्ट में हम देख पाएंगे सिंस एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ एम बी सी फ्रॉम सेकंड पार्ट और एरिया ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ एम बी सी. Let us say this is equation number 1. मैं green color से लिख देता हूँ. Confusion now. This is equation number 1. This is equation number 2. Okay. Equation number 1 and 2. हम यहाँ पे reason लिखेंगे ऐसा क्यों हुआ ये second वाला part. क्योंकि A, B, M, N and A, B, M, C. ए एम बी सी ए एम सी आर ओन सेम रीजन सेम बेस सेम पैरेलल है ना आर ओन सेम बेस एम बी देख लेते हैं सेम बेस एम बी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स एम बी सी ठीक है. तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 अभी जो इक्वेशन लिखी वी गेट एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम दैट वाज रिक्वायर्ड टू प्रूव. फोर्थ पार्ट पे चलते हैं. फोर्थ पार्ट अपने पास जो आएगा वो हमारे पास है सबसे पहले हम कह सकते हैं एंगल एफ सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी इक्वल टू 90 डिग्रीज सी. फोर्थ पार्ट ये है ट्रायंगल एफ सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई. हाँ सही कर रहे हैं हम. हाँ तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर फिर से मैं ए सी बी एंगल दोनों साइड ऐड कर दूं तो देखना क्या होगा. एफ सी ए LFC plus ACB ऐड किया ACB और इज इक्वल टू में BC plus ACB यहाँ ऐड कर दिया तो लिखना पड़ेगा बाय एडिंग ACB ऑन बोथ साइड्स
करते हैं कंटिन्यू, तो ये बन जाएगा एफ सी और ये बन जाएगा ऐड करने पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो इन ट्राइंगल एफ सी बी, जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं उसे लिख लेते हैं, एंड ट्राइंगल ए सी ई वी हैव हम देख पाएंगे इन दो ट्राइंगल्स में हमें दिखेगा कि एफ सी इज इक्वल टू ए सी साइड्स ऑफ स्क्वायर्स, और दूसरी चीज दिखेगी सी बी इज इक्वल टू सी ई अगेन साइड्स ऑफ स्क्वायर, और थर्ड हमने अभी अभी एंगल प्रूव किया है सी बी इक्वल टू ए सी ई प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तीन चीजें मिल चुकी हैं तो हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ बस, विच इंप्लाइज ट्राइंगल एफ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई बाय एस ए एस रूल, एस ए एस रूल। तो हमने फोर्थ पार्ट भी कर दिया। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है सी वाई एक्स ई टू टाइम्स एफ सी, ये लिख सकते हैं काफी इजिली, सिंस पैरेललोग्राम सी वाई एक्स ई एंड ट्राइंगल ए सी आर ऑन सेम बेस CE and between the same parallels CE AX, therefore area of parallelogram CYXE is equal to 2 times, क्योंकि हमें पता है same base same parallel होता है, तो 2 times area of triangle ACE, ठीक है। इसको आगे continue करते हैं, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, but हमने तो ये prove किया था अभी अभी triangle ACE is congruent to triangle FCB, ये हमने कहाँ prove किया था, from 4 from fourth part, since congruent triangles have equal areas, since congruent triangles equal area therefore हम कह सकते हैं area of parallelogram CYXE is equal to 2 times area of सी बी ट्राइंगल, और यही हमें प्रूव करना था। लास्ट पार्ट पे अपने चलते हैं, सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट हम क्या यूज करने वाले हैं, ऊपर के पार्ट सारे यूज करने वाले हैं सॉरी तो अब हम यूज करने वाले हैं, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी वाई एक्स ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ एफ सी बी, ये तो हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 1 और 2 अभी मैंने मान ली थी, तो इसलिए ये है फ्रॉम पार्ट 5 फिफ्थ पार्ट। हम यहां पे लिख सकते हैं आल्सो क्वाड्रिलेटरल लेटरल क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ जी एंड ट्राइंगल एफ जी आर ऑन द सेम बेस एफ सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स एफ सी एंड बी जी
एंड बीजी, एफ सी एंड बी जी, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ जी इज इक्वल टू टू टाइम्स एरिया ऑफ एफ जी बी। वही प्रॉपर्टी लगाते जा रहे हैं हम बार बार, सेम बेस और सेम पैरेलल वाली, ठीक है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर, नेक्स्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम थ्री एंड फोर, आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी वाई एक्स ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था ना। अब लास्ट पार्ट पे अपने चलते हैं, सिक्स्थ पार्ट, सॉरी सेवन्थ पार्ट पे। सेवन्थ पार्ट हमारे पास है, वी हैव एरिया ऑफ, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी D is equal to, इसको हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी वाई एक्स ई प्लस सी वाई एक्स ई प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी वाई एक्स डी बाई एक्स डी, क्लियर। जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं ऐसे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाई एक्स ई प्लस एरिया ऑफ इस बी वाई एक्स डी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी एम एन, ए बी एम एन फ्रॉम थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं, दस दस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी एम एन प्लस एरिया ऑफ ए सी एफ जी, ए सी एफ जी ये कहाँ से लिखा मैंने, पार्ट से, सॉरी फ्रॉम सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। लेट मी सी, और यही हमें प्रूव करना था। ई सी ई डी is equal to A B M N A C F G, B C E D A B M N A C F G, यही हमें प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, थैंक यू एंड द बेस्ट ऑफ लक।